तो मेरे पास एक डेटा है, बट प्रॉब्लम ये है कि ऑल इंफॉर्मेशन इन वन सीट नहीं। मैं एक बार ओपन करके दिखाता हूं। सो मेरे पास जो डेटा है, इसे हमारा मेन जो सेल्स का डेटा है, यहां पे देख सकते हैं सेल्स का है। सेल्स डेटा में ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, मंथ, एम्प्लॉय नंबर, कस्टमर नेम, कैटेगरी, पीआईडी, क्वांटिटी, पेमेंट टाइप, कस्टमर टाइप और कस्टमर आईडी। बट आप यहां देखेंगे पीआईडी मतलब कि प्रोडक्ट आईडी अवेलेबल नहीं, या सीआईडी यहां पे कस्टमर आईडी अवेलेबल नहीं। कस्टमर आईडी है प्रोडक्ट की डिटेल्स, प्रोडक्ट का नेम, एमआरपी वगैरह नहीं है, ऐसे कस्टमर का नेम, सिटी वगैरह नहीं, बस यहां पे उसका कस्टमर का कोड दे दिया गया है। लेकिन अगर मैं प्रोडक्ट वाले शीट पे जाऊं जहां मुझे प्रोडक्ट आईडी के बिहाफ पे बाकी डिटेल्स हैं और कस्टमर आईडी के बिहाफ पे कस्टमर डिटेल्स, ठीक है, तो यहां हम वी लुकअप वगैरह लगा के एक्सेल में तो कर लेते हैं, लेकिन टैबलू में इसको कैसे करेंगे? तो चलिए आज हम इसी चीज पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक्सेल को क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही हम यहां डेटा मेनू बार में हम सर्च करते हैं पी डेटा। और पी डेटा को यहां से लेके ओपन कर ओपन करते हैं। यहां तीन सीट आ गई, तो फर्स्ट हम सेल्स को यहां पे लेके ड्रॉप करते हैं, देन कस्टमर को लेके ड्रॉप करते हैं, देन प्रोडक्ट को लेके ड्रॉप ड्रॉप करते हैं, ठीक है। लेकिन सेल्स वन दोबारा आ गया, तो हम सेल्स और प्रोडक्ट को लेकर ड्रॉप करेंगे यहां पे, तो ये देख सकता है कि यहाँ रिलेशनशिप बना हुआ है, तो इसने खुद ब खुद जो है आइडेंटिफाई कर लिया रिलेशनशिप। सेल्स प्रोडक्ट के बीच में हमारा रिलेशनशिप बना है, सेल्स और प्रोडक्ट के बीच में। तो क्या है यहाँ पे, तो सेल्स का जो पी आई डी है वो इक्वल टू है प्रोडक्ट के पी आई डी के। अदरवाइज अगर मान लीजिए अगर एक गलत तरीके से रिलेट कर रहा है तो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं। फिर मैं तीसरा अपना कस्टमर को उठा के रख देता हूँ। तो कस्टमर को उठाते ही यहाँ पे कस्टमर, अब कस्टमर में क्या है, तो मैंने कस्टमर के रिलेशनशिप पे गए और बोला यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं, यहाँ पे ड्रॉप यहाँ लेके आया, तो वो देखिए यहाँ पे आ गया, इससे रिलेट हो गया। ध्यान रखिएगा इसके पैरेलल डालिएगा तो उससे चले जाएगा, बट क्या है कि इससे दोनों रिलेट होना चाहिए ना, तो इसकी सीआईडी और इसकी सीआईडी दोनों ले लिया। तो यहां पे मैंने क्या हुआ कि ये हमारा सेल्स लिंक है कस्टमर से, सेल्स लिंक है प्रोडक्ट से, और लिंकिंग अपने आप हो जाती है। अगर लिंकिंग सही नहीं हुई तो आपको इस पे क्लिक करना है। अच्छा मैं दोबारा बता रहा हूं कि मैंने कैसे किया, मैं एक काम करता हूं इसको रिमूव करता हूं। सबसे पहले उठा के आपको रखना है अपना मेन टेबल, ठीक है, क्या रखना है अपना मेन टेबल। तो जो हमारा कस्टमर है ये हमारा मेन सेल्स, सॉरी सेल्स जो है हमारा मेन टेबल है। अब इस सेल्स टेबल से मुझे प्रोडक्ट टेबल को लिंक करना है, तो सेल्स के बगल में आप देख सकते हैं कि इस तरह से लाइंस आपको फॉलो करेगा आपका रखिए। उसके बाद आपको लग रहा है कि सही तरीके से रिलेशन नहीं हुआ है तो इस रिलेशन में लाइन पे क्लिक करते यहां पे रिलेशनशिप आ जाए, यहां पे सेल्स और यहां पे आपके प्रोडक्ट। अब यहां पे कॉल टेबल चेंज नहीं कर सकते आप, हाँ, लेकिन टेबल के अंदर कि सेल्स का पीआईडी या सेल्स का कौन सा सेक्टर किसके साथ रिलेट करता है वो यहां पे आपको आ जाएगा। सेकेंड थिंग, हम वापस हम प्रोडक्ट के बाद हम कस्टमर करना चाहते हैं, अगर मैं कस्टमर को उठा के यहां रखा तो प्रोडक्ट से रिलेशन हो जाएगा, लेकिन मुझे प्रोडक्ट से रिलेशन नहीं करना है, मुझे रिलेशन करना है सेल्स से, तो मैं सेल्स के पैरेलल डालूंगा और मेरे इस लाइन को फॉलो करूंगा। लाइन को फॉलो करते ही देखिए यहाँ पे आ गया। अब यहां पे आप चेक कर सकते हैं कौन सा फील्ड किसके साथ रिलेट हुआ है, ओके। अब हम सीट वन पे आते हैं। सीट वन पे आप देख सकते हैं कि तीनों टेबल यहां पे दिख रहा है। अब मुझे तीनों टेबल के बिहाफ पे अपना डेटा लगा अपना रिपोर्ट्स लगाना है। जैसे मैं चाहता हूं यहां पे कि सिटी वाइज टोटल क्वांटिटी का सेल दिखे, तो मैंने यहां सिटी ले लिया और यहां पे हमने सेल्स के अंदर क्वांटिटी ले लिया, और यहां शोमी में गया
जो रिपोर्ट जो आपको डेटा बनाना है वो टेबल यहाँ पे आप बना सकते हैं, दो डिफरेंट डिफरेंट टेबल से। फिर मैं क्वांटिटी को यहाँ पे लेबल पे डाला, वो उसी हिसाब से आ गया। और मुझे इसका इसके अंदर ये मेरे ये है हमारा प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट नेम भी चाहिए मुझे, तो प्रोडक्ट नेम को मैंने यहाँ रखा। ये देखिए प्रोडक्ट नेम इसके पार्ट में आ गया, क्योंकि प्रोडक्ट नेम डिटेल में चला गया। या फिर प्रोडक्ट नेम को उठा के मैं कलर में रख दूंगा तो कलर के हिसाब से हो जाए, ठीक है। तो तीनों टेबल के साथ अलग अलग आप बना सकते हो। बट यहाँ पे प्रॉब्लम एक चीज और आता है कि यहाँ पे क्वांटिटी है, एमआरपी है, बट अमाउंट नहीं है। क्या नहीं है? अमाउंट नहीं है। अब मुझे कस्टमर टेबल नहीं, मैं यहां से अपना टेबल पे आता हूँ सेल्स पे। सेल्स वाले टेबल पे मुझे क्वांटिटी के बगल में मुझे एक ऐड करना है अमाउंट का। अमाउंट इट मीन्स क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एमआरपी। तो यहां पे मैं करता हूं इस पे जो ड्रॉप डाउन है इसी ड्रॉप डाउन पे क्लिक कीजिएगा। यहां पे थर्ड ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन आएगा क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड। क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड में हमने यहाँ पे क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एमआरपी एमआरपी को लिया, देन ओके किया, ठीक है। आप देखेंगे कहाँ बन गया। ऑर्डर मंथ आईडी पेमेंट डेट इसमें तो नहीं चला गया प्रोडक्ट में, नहीं प्रोडक्ट में क्यों जाएगा, सेल्स में आते हैं। मैं यहाँ क्वांटिटी क्रिएटेड कैलकुलेशन नंबर टू नहीं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एमआरपी और क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एमआरपी। नहीं, एमआरपी तो ऑलरेडी है, मुझे यहाँ पे अमाउंट देना है। नाउ एंड ओके। अब मैं सीट पे आता हूँ, मेजर्स में देखता हूँ। ओके, मेजर्स में एक कैलकुलेशन नीचे होगा, ये देखिए कैलकुलेशन हो गया। देखिए नॉर्मल अगर आप यहाँ पे, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, हाँ पहले वाले ये अमाउंट आया। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन होगा नीचे आएगा, किसी सेल्स सीट में आपको यहाँ नहीं दिखेगा। अगर सिंगल सीट है तो यहाँ पे फील्ड दिख जाता है, मल्टीपल सीट में यहाँ पे नहीं दिखेगा। अब मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ कि मुझे अमाउंट के अकॉर्डिंग चाहिए, प्रोडक्ट वाइज कितना सेल हुआ वो चाहिए। तो मैंने प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया और यहाँ अमाउंट को सिलेक्ट किया, प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया और अमाउंट को सिलेक्ट किया। अब इसके ऊपर या फिर मैं मैनुअली रख भी सकता हूँ कि मैंने यहाँ पे रो में प्रोडक्ट वाइज रख दिया एंड क्वांटिटी सम ऑफ द अमाउंट यहाँ रख दिया, कॉलम में भी रख सकते हैं सब अमाउंट, ठीक है। ये ऑटोमेटिक ले रहा है, मैं बार चार्ट है हमारा, मैं इसको लाइन में जाना चाहता हूँ तो लाइन हो जाएगा, मैं इसको एरिया में चाहता हूँ तो एरिया हो जाएगा। लेकिन यहाँ से स्विच कर सकते हैं तो आपका स्विच होगा, यहाँ से इस तरह से टेक्स्ट कीजिएगा तो उस तरह से टेक्स्ट एबीसी लिखा आएगा। एबीसी क्यों लिखा रहा है, क्योंकि तो अमाउंट यहाँ पर रख रखा है। अब मुझे अपने अमाउंट को उठा के टेक्स्ट में रखना है तो यहाँ पे फिगर्स दिखेंगे। इस तरह से फिगर की प्लेसमेंट आप कर सकते हैं। सैप्स में देखेंगे, इस सैप्स आएगा, ये सैप्स जो है सैप्स सैप्स होता है आपका, ठीक है। इसके बाद ग्रांट ग्रांट बार है, यहाँ पर ग्रांट बार दिखेगा, पॉलीगॉन डेंस डेंस में डॉट लाइन डॉट लाइन होता है, यहां से आप शो कर सकते हैं आप, ठीक है। मैं बाहर ही रहने देता हूं। अब इसको शॉर्ट करना चाहते हैं तो इसको शॉर्ट कर सकते हैं, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। ओके, तो मल्टीपल सीट के ऊपर कैसे वर्क करेगा, समझ में आ गया आपको? तो कोई दिक्कत अगर अभी ये तो मल्टीपल शीट का है, बट अगर मेरे को डायरेक्ट ही देगा
और सेम लाइक आपने जैसे बताया पी डेटा वन एंड पी डेटा वी हैव अ थ्री शीट करेक्ट। ठीक है तो एवरी टाइम तो मैं जाके खाली पी डेटा 1 2 3 4 5 6 जो भी होगा जितना भी शीट्स आते जाएगा मैं सबको कर सकता हूँ। मैं खाली पी डेटा नहीं 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 जितने नहीं भी सर, है नहीं, आपको आपके पी डेटा में जितने भी सीट ऐड होंगे वो सीट यहाँ पे विजुअल होते जाएंगे, बट आपके रिपोर्ट में ये इफेक्ट नहीं करेंगे जब तक कि आप उसको यहां से उठा के ड्रॉप नहीं करते। ठीक है, अभी जो मैंने आप जो बात कर रहे हैं वो अलग है, ये है रिलेशनल डेटा। रिलेशनल डेटा मतलब कि आपके पास जो इंफॉर्मेशन है ना वो डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स में है। जैसे कि मान लीजिए कि आपकी एक मान लीजिए आपकी एक कंपनी है जो सेल करती है, तो आपके पास पहले आता है ऑर्डर, क्या आया, कस्टमर ने ऑर्डर दिया। अब वो ऑर्डर जाएगा किसके पास, स्टोर मैनेजर के पास। स्टोर मैनेजर चेक करेगा कि ये सारे के सारे प्रोडक्ट इस क्वांटिटी में अवेलेबल है या नहीं। मैं बात करता हूँ वेयर हाउसिंग की, बात करता हूँ, मान लीजिए ड्यूलेक्स पेंट की दे लूँ, मैं काम कर रखा हूँ। उसमें क्या होता था कि ड्यूलेक्स पेंट पे सबसे पहले जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है वो ऑर्डर लेते थे, ऑर्डर भेजते थे वेयर हाउस। वेयर हाउस उस ऑर्डर को जाके चेक करता था, ऑर्डर सारे आ गए, चेक करता था कि ये चीजें है या नहीं है। अगर है तो सारे चीजें निकाल देते थे। फिर वो ऑर्डर जो है जाता था बिलिंग डिपार्टमेंट, ठीक है, बिलिंग डिपार्टमेंट उस पे बिल करता था कि ये, अब मान लीजिए कि किसी कोई क्वांटिटी कम है या कोई प्रोडक्ट नहीं है तो बिलिंग डिपार्टमेंट उसको हटा देता। तो बिलिंग डिपार्टमेंट जो फाइनल रिजल्ट निकाला वो फिर आपका बिलिंग डिपार्टमेंट, अब वो जाएगा डिस्पैच के पास। अब डिस्पैच क्या करेगा, उसके हिसाब से डिस्पैच करेगा। ठीक है, डिस्पैच के बाद जब डिस्पैच डिपार्टमेंट के बाद फिर आएगा कि डिलीवरी के पास, डिलीवरी वाला जाके दुकान में डिलीवर करेगा। अब दुकान में हो सकता है बंदा बोला कि यार देखो इसमें प्रोडक्ट ए नहीं है तो मैं नहीं लूंगा, वापस करो, मतलब 10 में से वो 8 लिया, 2 एक्सेप्ट कर दिया। अब ये सारे डिपार्टमेंट का डेटा अलग अलग मिला, अब आपको चेक करना है कि फाइनल सेल क्या होगा। तो आपको सारे डेटा को क्लब करना होगा ना कि कितना मिला, कितना बिल हुआ, कितना डिस्पैच हुआ, कितना डिलीवर हुआ। तो सर अपने पी डेटा को कॉन्फिगर किया बट एक शीट के अंदर अपने को डिफरेंट डिफरेंट टैग प्ले करें जी हाँ, डिफरेंट 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 टाइप कस्टमर के अंदर। मैं फाइल दोबारा ओपन करता हूँ, देखिए, समझिए कि आप एक्सेल पे वी लुकअप लगा लेते हो ना सर, यहाँ वी लुकअप लगाने की जरूरत नहीं। जैसे आपके यहाँ पे क्या हुआ कि बंदे ने क्या काम किया कि इसने सिर्फ कस्टमर की आईडी डाल दी इसमें, क्योंकि यहाँ इस कॉलम के अंदर में हमें आईडी जो है एक कस्टमर कई बार आएगा, तो उसने कस्टमर की आईडी डाल दी और कस्टमर की डिटेल्स उसने यहां डाल, ठीक है, और प्रोडक्ट की एमआरपी भी कस्टमर की डिटेल्स उसने यहां डाल, समझ गए। अब मान लीजिए मुझे कस्टमर नंबर 13 का पता करना है कौन है, तो मुझे दो तरीके हैं, या तो मैं कस्टमर के वाले इसमें कस्टमर वाले सीट पे जाके 13 नंबर को जाके सर्च करूं, या फिर यहां भी लुकअप लगा लो। बात समझे, हाँ मतलब कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है ना वो इंफॉर्मेशन एक सीट पे नहीं, कई सीटों पे स्प्लिट है, आपको एक जगह कलेक्ट करके रिपोर्ट बनानी है, दैट केस में हम इस रिलेशनशिप का यूज करते हैं। और एक कंपनी में होता ही है सर, जैसे मैं अभी एग्जांपल दिया कि चार डिपार्टमेंट अलग अलग अपना डेटा भेजेगा, लेकिन जो एमआईएस बनाने वाला होगा वो चारों डिपार्टमेंट को लेके बनाएगा ना सर रिपोर्ट, सर क्योंकि डिस्पैच वाले के पास कस्टमर की डिटेल नहीं होगी, वो सिर्फ इनवाइस नंबर और डिलीवरी प्रोडक्ट भेजे। बिलिंग इसके और वेयर हाउस वाले के पास सिर्फ क्या होगा, बिल नंबर और कितना माल निकला, नहीं इनवाइस के अंदर सारा डिटेल होगा, इनवाइस के अंदर सारा डिटेल होगा। डिलीवरी के पास इनवाइसिंग डिटेल नहीं होगी कि कितना कितना पेमेंट लेना है, पेमेंट डिपार्टमेंट इनवाइसिंग के पास है, वो इनवाइस खोल के नहीं देख सकता है क्या सर।
अमेजोन आपको का बिल आपको भेजता है तो उसका बिल उस बॉक्स के अंदर होता है ना। तो ऐसे केसेस में हम इसका यूज करेंगे। अब समझ में आया कि नहीं सर? अब से एक जी आपको क्या बोलना है? हाँ, ये जो हमारा टेबल है मेन टेबल हुआ और इससे लिंक दो टेबल। अब यहाँ पर हमने जो रिलेशनशिप बिल्ड किया है डेटा के, तो इसमें हम चेक नहीं कर सकते क्रेडेंशियल क्या आइडेंटिटी है यहाँ पर, वन टू मैनी है या मैनी मैनी है ये सब। हाँ देखिए, यहाँ पे जब आते हैं, यहाँ पे आते हैं तो आपको यहाँ पे आता है परफॉर्मेंस ऑप्शन, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको यह है मैनी टू मैनी, दिख रहा है? यहाँ पे परफॉर्मेंस ऑप्शन में दबाइएगा तो यहाँ पे मैनी टू मैनी और वन टू वन, इसमें आखिर जो नहीं होता है। मैनी टू मैनी के मतलब क्या हुआ कि टेबल वन के अंदर अगर 10 डेटा है और टेबल टू के अंदर 15 डेटा है तो दोनों टेबल का 10 और 15 शो करेगा। ऐसा हो सकता है ना कि टेबल वन के अंदर 10 डेटा है, टेबल अंदर के अंदर 5 डेटा है, मतलब टेबल वन टेबल टू के अंदर जो 5 डेटा है वो टेबल वन में नहीं है। बात समझे? और सपोज कीजिए अगर कस्टमर और प्रोडक्ट के बीच में कोई रिलेशनशिप बिल्ड करना है जाए। तो अब कस्टमर और प्रोडक्ट के बीच में कोई अभी अभी क्या है, इसके थ्रू रिलेशन हो चुका है। अब आपने देखा, अब यहां देखिए कि मुझे ये पता करना है, यहां पे एक लेता हूं मैं, यहां पे क्या किया कि मैंने अपना कस्टमर की सीटी और एमआरपी ले लिया, ठीक है ना। अब इस पे मैं रिपोर्ट बना सकता हूं और यहां पे सम ऑफ द एमआरपी की जगह पे मैं एवरेज ऑफ द एमआरपी ले सकता हूं। बात समझे? ओके और एक किसके थ्रू जा रहा है? सेल्स, क्योंकि प्रोडक्ट के अंदर में कस्टमर डिटेल नहीं है और कस्टमर के अंदर में प्रोडक्ट डिटेल नहीं है, बट ये सीट वन के वाया जा रहा है। लेकिन आप अगर इनके बीच में इंडिविजुअल करना चाहते हैं तो इनके बीच में कोई यूनिक आईडी होना चाहिए जो आपस रिलेट होगा, बट कस्टमर में नहीं कोई यूनिक है जो कि प्रोडक्ट से रिलेट करता है, ना प्रोडक्ट में कोई यूनिक है जो कस्टमर से रिलेट करता है, लेकिन इसके अंदर दोनों का है। तो हम इस टेबल को भी कॉल कर सकते हैं और इसको इस टेबल से कॉल कर सकते हैं और ये दोनों को कॉल कर सकता है और दोनों से इसको कॉल कर सकते हैं। ठीक है। और जब मैं डैशबोर्ड बनाऊंगा, डैशबोर्ड में जब मैं यहाँ पर पैसा का यूज करूंगा तो डेटा इंटरेक्शन होगा ना दो के बीच में सर। जी हाँ बिल्कुल, आपके सामने देखिए ना ये बन गया ना, जो यहाँ पे देखिए ये आपका दो चार्ट के बीच में है, ये दो दो टेबल के बीच में है। अब डैशबोर्ड पे दोनों को आप रखेंगे यहाँ से तो सीट को रिप्रेजेंट करता है, डैशबोर्ड तो सीट को रिप्रेजेंट करता है ना, उसको मतलब नहीं है डेटा में क्या है। देखिए आपका डेटा कनेक्टेड है सीट से, आपका डैशबोर्ड कनेक्टेड है सीट कनेक्टेड है डेटा से एंड डैशबोर्ड कनेक्टेड है सीट से, तो सीट कहाँ से डेटा ला रहा है उसको डैशबोर्ड का मतलब ही नहीं है, उसको सीट से मतलब है। समझे? ओके भाई, और कोई क्वेश्चन है? आगे बढ़े। यस चलिए अब इसको मैं बंद करता हूं, मैं फाइल भेज दूंगा पी डेटा का आपको प्रैक्टिस करने के लिए। अब मैं यहां पे वापस आता हूँ, टैबलू को वापस खोलता हूँ, वापस खोलने के पीछे रीजन है। अब मेरे पास एक फोल्डर में डेटा है, मेरे पास क्या हुआ कि मेरे पास जो डेटा आया ना वो अधूरा डेटा आया है, पूरा डेटा नहीं आया। जैसे यहां देखिए फाइल वन और फाइल टू में डेटा आया, बात समझे? अधूरा डेटा है, मतलब कि आपको आपके दो बंदे ने सेल किया है तो दोनों बंदे ने अपना अलग अलग सेल आपको भेज दिया। यहां पे मैंने सीट वन डाल दिया, अब फिर यहां पे ऐड पे क्लिक किया, ऐड कनेक्शन फ्रॉम एक्सेल और टू ले लिया, तो मेरे पास दो अलग अलग सीट का डेटा यहाँ पर अवेलेबल है, सीट वन वन डेटा एंड सीट टू। अगर सीट टू का एक्सप्लेन करते हैं, तो यहां पे आता है यूनियन, ये डेटा क्यों नहीं आया इधर?
कनेक्शन शीट टू अच्छा एक बार दोनों का नाम सीट वन है सर इससे दिक्कत है क्या डबल क्लिक करने से भी चला जाता है सीट मैं चाहता हूं यूनियन करना बट ये दो फाइल क्यों नहीं ले रहा है अच्छा शायद इसीलिए प्रॉब्लम हो रही है एक काम करो मैं चेंज करता हूं इसका नाम इसका नाम डीटी कर देता हूँ टी वन डेटा वन सेट और इसका नाम कर देता हूँ डेटा टू बट ऐसी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसके मामले में पावर भी सही है पावर तो पूरा का पूरा फोल्डर का डेटा दे देते हैं लोग सर पावर क्वेरी में तो सेम सेट नेम होना चाहिए तब तो वो डेटा को पूरा मर्ज करेगा सेम कॉलन नॉट अ सेम सीट कॉलन का हेडिंग सेम होना चाहिए कॉलम का हेडिंग भी और सीट का नाम भी सेम होना चाहिए तभी पूरा का पूरा डेटा नहीं सीट का नाम से कोई फर्क सीट का नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है जहां तक मेरा आइडिया है हो सकता है मेरा आइडिया गलत हो लेकिन जहां तक मेरा आइडिया है कि सीट का नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है नहीं एक बार में गलत हो तो नहीं पड़ा मैं एक काम करूंगा एक मैं करके देखूंगा आज ठीक है आपने भी बोला है नया चीज है कुछ बट मुझे भी देखना पड़ेगा पावर क्वेरी पावर क्यूरी हाँ मैं पावर भी पावर भी एक ही होता है डी टू है गया ठीक चलिए आप देखते करते हैं ओ यहाँ पे लास्ट डेटा आ जाता है डी वन डी टू डी वन यहाँ पे डला हुआ है इधर हमारा डी टू को उठाया और यहाँ पे मैंने एक मिनट रिलेशनशिप नहीं करना मुझे यूनियन करना है यूनियन पे क्लिक किया और इसको मैंने डाला और हम इसको यूनियन करते हैं यहाँ पे हम इसको रखते हैं इसके डी वन को रखते हैं ये आ गया अब इसके नीचे हम डी टू पे आते हैं और डी टू को रखते हैं यहाँ पे
पहले भी डेटा शो हो रहा था सर, बस सीट वाले वन था ना तो कंफ्यूजन हो रही थी। और इसको यूनियन, इसको सिलेक्ट करने भी यूनियन हो जाता है, इसको यूनियन कहते हैं, यूनियन यूनियन। और यहां पे हम नहीं, पहले यूनियन ड्रॉ करना होगा और इसके अंदर आपको डी वन डी टू डेटा डी टू अप्लाई। नहीं, यूनियन यहाँ पे डाला मैंने और यहाँ पे सिविक मैनुअल ट्रैक वन के इसके नीचे हमें वन कर देते हैं यहाँ पे। अब यूनियन क्यों नहीं बन रहा है, जो डालते हैं यहाँ यूनियन बन जाता है गोल सा। आपको पहले करने देना वो खाली था, यूनियन के लिए आपको फील्ड सेलेक्ट करना पड़ेगा तभी यूनियन एक स्पेसिफिक लाइक पीआईडी। अपन जैसे कस्टमर आईडी कर रहे थे, एक आईडी होगा तभी यूनियन होगा ना। ये फील्ड तो अपना आप ले लेता था वो। ओके एक मिनट, इसको हम डी वन डी टू। हाँ अब हुआ सर, ये आपका एडिट यूनियन में आते हैं वन डॉट एक्सएलएस एंड डी टू, डी टू अदरवाइज एक्सएलएस। यहाँ पे आपको दो है, फुल आउटर कीजिएगा तो ओवरऑल डेटा आएगा। ठीक है ओके, ये भी आपका रिलेशनशिप की तरह ही है सर। नहीं, ये भी आपका रिलेशनशिप की तरह ही है, इसमें फील्ड अलग अलग फील्ड जनरेट कर रही है। मतलब ये जो यूनियन दिया ना, ये यूनियन मैं जो सोच रहा था वो नहीं है, मैं सोच रहा था अपेंड वाला। नहीं सर वो नहीं है सर, मैं सोच रहा था वो नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है कि मुझे क्या करना है, एक डेटा के नीचे एक डेटा पेश करना। ये जो यूनियन था वो तो वही हो गया आपका, इसका पी डेटा वाला पार्ट हो गया। ये जो यूनियन है ना, ये भी आपका पी डेटा का ही पार्ट। हाँ वो सर ये कैसे वर्क करेगा, मतलब डी डेटा है ना कैसे वर्क करता है जी, ये। बट पी डेटा में क्या हुआ कि रिलेशनशिप बना तो हमें अलग अलग फील्ड दिखे। इसमें क्या हुआ कि हमारे डेटा के अंदर ही सारे फील्ड ऐड हो गए, अलग अलग टेबल के साथ डील नहीं करना पड़ेगा। ठीक है मैं दिखाता हूँ दोबारा। और मैं सोच रहा था अपेंड वाला, मैं सोचा पावर बीआई में आया, पहले तो नहीं था टैबलू में, बट आप सोचा आ गया होगा।
मैं पिछले एक साल टैबलू की क्लासेस नहीं ली थी, इसलिए मैं नए फीचर से अवेयर नहीं हुआ, ठीक है ना। जो वो लाइसेंस मेरा एक्सपायर हो गया था, इसलिए अब मैंने लाइसेंस किसी तरह से लिया है टीचर का, तब हुआ है। तो इसमें अगर हम न्यू यूनियन पे आ रखते हैं, राइट, और इसके अंदर मैंने अपना सेल्स को पहले रख लिया, सेल्स, देन ओके किया। अब इस पे हम यहाँ पे इस पे आते हैं, सेल्स में हम प्रोडक्ट रखते हैं और कस्टमर रखते हैं, ठीक है, कस्टमर रखें। अब यहाँ देखिए, ये और यहाँ पे मुझे जो है, बट इसमें ऑर्डर आईडी अकॉर्डिंग होना चाहिए था। तो अब इसमें हमारा जो आया इनर है, अगर फुल आउटर करेंगे तो पूरा डेटा है, ठीक है। बट इसमें दोनों के साथ यूनियन किसके साथ है वो नहीं है, बस वो सीआईडी और सीआईडी ले रहा है। तो मुझे इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर करना है भाई पीआईडी और कस्टमर का भी पीआईडी, सीआईडी हो यहाँ पे, सीआईडी यहाँ पे, सीआईडी सीआईडी और यहाँ पे सीआईडी, हाँ सीआईडी सारी ले लिया। उसके बाद फिर हम इसको क्लोज करते हैं, और हाँ यहाँ पे क्लिक करते हैं, अब इस पे क्लिक करते हैं, ये हमारा फुल आउट करेंगे, इसमें पीआईडी और पीआईडी। तो इनर हुआ मतलब दोनों में जो मिलेगा सो, लेफ्ट हुआ जो एक में पूरा मिलेगा, दूसरा का ओ जो कि सिर्फ वन में है, राइट क्या हुआ कि आपको दूसरे का पूरा लेगा और पहले का वो पार्ट लेगा जो कि है दूसरे का है, और फुल आउटर मतलब दोनों का देगा। और यहाँ पे आप देखेंगे ना सारे फील्ड्स आपको दिख जाएंगे, सारे टोटल फील्ड्स दिख रहे हैं आपको। अब इससे बेनिफिट क्या होगा कि यहाँ पे मुझे अलग अलग टेबल्स का यूज नहीं करना पड़ेगा, यूनियन को भी लेके, हम सिर्फ यूनियन को लेके चलेंगे, ठीक है। तो यूनियन का मतलब ये हुआ, क्लियर है, ये भी रिलेशनशिप की तरह वर्क करता है। लेकिन मुझे क्या करना है कि दो टेबल को मर्ज करना है, एक नया प्रॉब्लम चैलेंज है। अब इस चैलेंज के ऊपर मैं एक बार डिसाइड करता हूँ, ये करता हूँ मतलब कि रिसर्च करके मैं आपको अगली क्लास से बता दूँ, ठीक है सर। फिलहाल आप ये यूनियन और रिलेशनशिप दोनों को देखिए।